तो साथियों ये है ध्येय आईएएस की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, उसी के लिए साथियों ये ध्येय आईएएस की पाँचवीं टेस्ट सीरीज है। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन इस मायने में है साथियों, इसमें जितने के जितने यानी 150 जो प्रश्न हैं सब के सब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से। तो साथियों इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में इस टेस्ट सीरीज का हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पहले का जस्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इसमें कुल 150 प्रश्न हैं, सब के सब इंडियन पॉलिटी से है और इस आधार पर बनाया है कि करंट अफेयर्स जो चीज़ें करंट में हैं, जो मुद्दे उसी से रिलेटेड आपको जीएस का सारा प्रश्न बनाया है, क्योंकि आजकल जो करंट में चीज़ें दौड़ती हैं उसी से रिलेटेड जीएस यानी करंट तो पूछा ही जाता है, लेकिन करंट से जोड़कर आपको जीएस भी पूछा जाता है। यानी जितने के जितने इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है सब के सब जो है करंट से जोड़कर बनाए हैं। आपको मालूम होना चाहिए साथियों, इस साल चुनाव हुआ है और चुनाव हुआ है तो आपको मालूम होगा कि इस साल जो है इंडियन पॉलिटी के ठीक ठाक सवाल आएंगे आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, अन्य जो स्टेट कमीशन्स है या अन्य जो एग्ज़ाम है तो उनमें पॉलिटी के सवाल ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों इस आधार पर तो इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है कि सारी की सारी चीज़ें करंट से जोड़कर बनाया गया। 150 प्रश्न जब आप शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी का सॉल्व कर लेंगे तो आप हर एक टॉपिक से टच हो जाएंगे, जीएस के या जो करंट में चीज़ें रही हर एक चीज़ों से टच हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था और कुछ टेक्निकल इशू के कारण बचा था, तो आज हम लोग 70 क्वेश्चन से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन साथियों, आपसे निहोरा है, विनती है साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि साथियों हमारा यह चैनल बनाने का जो उद्देश्य है यह होता है कि जो दूर दराज, जो दिल्ली प्रयागराज जैसे शहरों में नहीं पढ़ सक रहे हैं स्टूडेंट, दूर दराज गाँव में हैं तो वो ये सुविधा को उठा सकें, बड़ी संस्थाओं का कंटेंट अच्छी चीज़ों को पढ़ सकें। साथियों आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे गांव में रहते हैं वो वही घिसा पीटा, वही जो वहाँ मिलता है वही पढ़ते हैं, क्योंकि वो सब वहाँ ये कंटेंट ये संस्थाओं से दूर रहते हैं, उनको अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो साथियों आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे अन्य चीज़ों को अन्य लोगों के पास जाएगा तो उनको लाभ मिलेगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़रूर वीडियो को। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, मिलाने वाला है और मिलाने वाला सवाल हमारा गलत नहीं होता। एक दो सूचनाएं अगर हमारे पास हैं तो भी हम उत्तर को निकाल लेंगे। देखें एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ उस राज्य में कितनी सीटें दी गई हैं उसको मिलाना है। तो साथियों मिला दीजिए अच्छे से, मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा कि 11 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं और राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में साथियों 5 सीटें हैं और आपको मालूम है मिजोरम में 1 है। तो आप लोग देख लीजिए D4 पर होना चाहिए, ए हमारा 3 पर होना चाहिए, तो ए हमारा 3 पर होना चाहिए, D4 पर होना चाहिए, B1 पर होना चाहिए। तो हमारा ये उत्तर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, 71 का बी। बहुत बढ़िया साथियों, तो हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये क्या हो गया। तो देखें कितना सरल सवाल है, 2 कथन दिया है, करा इन्हीं कथनों को आप ठीक से पढ़ लीजिए, पढ़कर सही से उत्तर दे दिए। सही उत्तर पूछ रहा है साथियों, ध्यान दिया करिए, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो आपको सही उत्तर देना है। पहला पढ़ेंगे साथियों जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में गठित किया गया था, पूर्वोत्तर परिषद, उसमें कुल 8 सदस्य राज्य शामिल थे, 7 नहीं, तो ये गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है 1994 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर परिषद का 8वां राज्य बनाया गया था, 8वां सदस्य, तो यस ये बातें सही है, दूसरा 8वां बनाया, नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 हैं, 7 जो सेवन सिस्टर हैं और 8वां जो है ये सिक्किम है, तो ये दूसरा हमारा सही है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 73 में साथियों, बहुत बेहतरीन, देखें इसमें एक सवाल दिया है तो कह रहा है किस वाद में यानी किस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो साथियों इंदिरा गांधी ने 1975 में
संविधान संशोधन करके एक प्रावधान बनाया, अगर हम 356 का प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन साथियों, वो जब चुनाव हारी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसको रद्द कर दिया। कहा कि भाई अगर आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे किसी राज्य पर तो आप मनमानी तरीके से लगाएं, अपने फायदा के लिए लगाएं, कैसे लगाई हैं, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो किसमें कहा गया है 73 वाले, हमारा जो ये क्वेश्चन है साथियों बहुत बेहतरीन, तो इसमें कहा गया बम्बई वाद, यानी बम्बई वाला जो केस था इसमें कहा गया था ऑप्शन नंबर बी, बम्बई बनाम भारतीय संघवाद। तो इसी में कहा गया था कि राष्ट्रपति शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके 8वीं अनुसूची से संबंधित सवाल है। आपको पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में उन्हीं भाषाओं को रखा जाता है जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो जब मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन 3-3 बार संशोधन करके इसमें कुल इस समय 22 भाषाएं हो गई हैं। तो यही कह रहा है, ये जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनका जो है शामिल होने का क्रम बताइए। तो ये देखिए, असमिया और बंगाली तो मूल संविधान में ही था, पहले से ही था, तो इसका मतलब ये पहले नंबर पर आना चाहिए। तो पहले नंबर पर एक सभी में है। इसके बाद साथियों, जो पहली बार संविधान संशोधन करके जोड़ा गया वो सिंधी को जोड़ा गया था, आपको मालूम होगा सिंधी को। उसके बाद जो है, यानी अब चार रहना चाहिए दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर चार यहाँ है और यहाँ है, तो इसका मतलब ये सवाल, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बी या सी में से कोई होगा। तो उसके बाद सिंधी जोड़ा गया था, उसके पास कौन जोड़ा गया था साथियों, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी दो होना चाहिए तीसरे नंबर पर, तो ये तीसरे नंबर पर दो यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, हमारा क्रम यही है। आगे चले हम लोग, देखें 75 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन मतलब साथियों फेडरल की बात कर रहा है, फेडरल का मतलब, यानी संघीय का मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, तो ये होती है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था कहाँ है, एक तो ऑस्ट्रेलिया में है साथियों, सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा नंबर कहाँ है, ब्राज़ील में है, और भारत में जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। तो एक और तीन इसमें है, तो एक और तीन यहाँ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 76 में क्या है, 76 में साथियों है हमारा, 76 में कौन सी विशेषताएँ एकात्मक शासन की है। तभी मैंने बताया फेडरल शासन वो था, फेडरल का मतलब क्या होता है, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि राज्यों राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, और एकात्मक शासन का मतलब होता है सारी शक्तियां लगभग केंद्र के पास होती हैं, तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है, जैसे अमेरिका में होता है। तो देखें एकात्मक शासन की व्यवस्था क्या है, कठोर संविधान ये तो होगा नहीं, जब कठोर संविधान होगा तो इसका मतलब शक्ति केंद्र के पास नहीं है। आपातकालीन उपबंध, ये भी जो है ये तो एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये वाला अखिल भारतीय सेवाएं ये भी है, यानी दो और तीन ये एकात्मक शासन की है, और स्वतंत्र न्यायपालिका जहां रहेगी वहां शक्तियां एक जगह नहीं रह सकती, ध्यान रखिए, तो ऐसे पकड़ा करिए। तो दो और तीन एकात्मक शासन के जो है विशेषताएँ हैं, ये वाली ऑप्शन ए। आगे हम लोग 77 को देखते हैं साथियों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ जो नहीं पढ़े हैं। अगर आप लोग चीज़ों को पढ़े हैं, जानते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को देखकर उत्तर को पता करिए हमारा है कि नहीं, अगर कर ले रहे हैं तो आप हमारी अन्य बातों को भगाकर आप लोग आगे बढ़ जाया करिए, अगर आप लोग को चीज़ों को जो क्लियर नहीं है तो उसे सुना करिए। तो देखें क्या है 77 में, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में कहा कि यह संघ ही तो है लेकिन मजबूत केंद्र वाला संघ है। तो साथियों यह कहा था आइवर जेनिंग्स ने, ए जे ने कहा था, आइवर जेनिंग ने कहा था कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले हम लोग 78 में क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है।
तो किस केस में ऐसा कहा गया था साथियों? ये कहा गया था बम्बई मामला, बम्बई केस, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत बढ़िया, 79 में हम लोग देखते हैं कितना बढ़िया सवाल है। देखने में तो भारी भरकम है, ऐसे ही सवाल आते हैं जो बच्चों को आता हुआ प्रश्न को गुमराह कर देते हैं। देखें, दो ठो कथन दिया है, एक आर दिया है कथन, और दूसरा ए दिया है कथन, और कारण आर दिया है। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो सरकारीय कमीशन ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। यस मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कथन सही है। सरकारीय आयोग जो गठित की गई थी केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए, तो उसने सुझाव दिया कि 356 का जो प्रयोग होता है वो कम से कम होना चाहिए। और कारण इसका क्या दिया है? जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार बनाई उन्होंने 356 का प्रयोग कम से कम किया। मेरे भाई, ये कहाँ अनर्थ हो गया? हर एक सरकारों ने, जिसकी भी सरकार केंद्र में रही, वो 356 का प्रयोग अधिक से अधिक किया, क्योंकि अन्य राज्यों में जो दूसरी पार्टी की सरकार थी उसको गिराने के लिए। तो खूब किया, कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया, लेकिन भाजपा ने अलग तरीके से किया कि मतलब विधायकों खरीद लें, सांसदों खरीद लें, जेल भेज दें, डरा धमका कर पार्टी में शामिल कर लें, सरकार तोड़ लें। तो तमिल, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब का आपको उदाहरण होगा ही। तो जिसकी भी सरकार रहती है सब इसका धुआंधार प्रयोग करते हैं। तो कारण हमारा गलत हो गया, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही आर गलत। चले हम लोग 80 पर देखते हैं क्या है। तो आगे देखें कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों, बहुत बेहतरीन, ऐसे सवालों को आप घबराया ना करिए। जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए कौन सा सही नहीं है, कौन सा मिसमैच है, तो ऐसे सवालों में साथियों वहीं पर गड़बड़ी किया रहता है जिसे आप जानते हैं। तो देखें, आप जो जानते रहेंगे वहीं गड़बड़ी होगा, उसी को आप पकड़ लेंगे। तो भाग 11 में केंद्र राज संबंध में विधायी संबंध का उल्लेख है। यस, भाग 11 में केंद्र राज संबंधों की चर्चा है, ये बात सही है हमारा। और अगला देखते हैं बी में क्या कह रहा है। केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख भाग 11 ए में है। नहीं मेरे भाई, भाग 11 में ही केंद्र राज संबंध दिया है, और उसी में जो है दो हिस्सा कर दिया है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। कोई अलग से भाग नहीं बनाया है प्रशासनिक संबंध के लिए। तो यही गलत हो गया, तो यही आपका उत्तर होगा। गलत पूछा था तो मैंने गलत बता दिया। अब बाकी ये सब केंद्र राज संबंध के में सही है। केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का उल्लेख 12 में है, और शेष शक्तियाँ केंद्र में है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन बी यही गलत था, 11 में है, 11 ए में नहीं है। तो यहाँ ए न होता तब सही रहता। आगे देखें हम लोग 81 में क्या कह रहा है साथियों। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 263 जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में ये है, अब ये भी सही है, जो नदी जल बंटवारा वगैरह होता है इसी से। तो यहाँ पर क्या है एक, और ये अनुच्छेद 262 में क्या है, यहाँ अनुच्छेद 262 इसमें दिया है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी जल द्रोणियों में विवादों का न्याय निर्णयन करना। तो साथियों ये हमारा जो है ये भी सही है, 262 वाला, ये भी बातें सही है। तो ये तीनों हमें जब सही है साथियों, क्लियर हो गया, तो गड़बड़ी यही होगा, यही हमारा उत्तर होगा। आप आँख मूंद कर यही लगा दीजिएगा, आपको मालूम हो या ना मालूम हो, क्योंकि आपको इतना तो मालूम है ये तीन हमें क्लियर है। तो यहाँ जो है ये क्यों गलत है, 353 माल एवं सेवा कर के मध्य संबंध जो है। तो साथियों ये 53 इससे संबंधित नहीं है, यह अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करार यानी अंतर्राष्ट्रीय ठेका होता है उसको प्रभावी करने के लिए जो कानून बन का प्रावधान है उसके लिए है। और जबकि 246 क में है, ये कहाँ है, 246 ए में है ये मैटर जो ये दिया है। तो यही गलत होगा। आगे देखें हम लोग, देखें इसमें क्या है 82 में, इसके बारे में विचार करना है। संविधान के भाग 17 में कथनों पर विचार करके हमें सही कथन बताना है। तो पहले में कह रहा है कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है साथियों। यह सही बात है, बिल्कुल सही। और इसमें दो में कह रहा है कि अनुच्छेद 50 क के तहत प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान करता है। तो साथियों 82 हमारा दोनों के दोनों सही हैं, ये भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, अनुच्छेद 50 का। याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान। आगे देखें हम 83 में क्या कह रहा है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है साथियों, पंचायतों को नियमित करने का। ये बात सही है, ऐसा ही किया, आपको मालूम है 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को शामिल किया गया था, तो ये बातें तो सही हैं 73वां संविधान संशोधन के संबंध में। दूसरा पढ़ें, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, ये भी बात सही है, 243D में इसका प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है साथियों, ये भी बात सही है। 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण का, तो आपको बता दें साथियों यही गलत दे दिया, 12वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित नहीं है, ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जहाँ चार होगा वो गलत हो जाएगा, चार कहाँ है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, वो गलत हो गया, हमारा उत्तर केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेशन हमने लगा दिया। आगे देखें 84 में देखें साथियों का है, अनुच्छेद 224 में चुनाव आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें, विचार करके हमें सही उत्तर को बताना है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा मुख्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जो है वो मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, तो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात सही है। राष्ट्रपति प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर करेगा, नहीं मेरे भाई, राष्ट्रपति उसके सलाह पर थोड़े राज्यपाल के सलाह पर करेगा, तो ये गलत हो गया, राज्यपाल के सलाह पर नहीं करता है, तो ये दूसरा गलत हो गया, केवल यहाँ पर 84 में हमारा ए सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। देखें 85 में, यहाँ पर देखिए साथियों कौन सा युग्म सही सुमेलित है, चार ठो दिया है कथन और जो सही सुमेलित है उसके आधार पर बताना है। तो साथियों यहाँ पर आप कैसे पकड़ेंगे, देखें अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित चीज़ें हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। और 85 में क्या कह रहा है, ये दूसरे में 266 में क्या है, प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है, यानी विधि प्राधिकार जो विधि बनाई गई है उसके सिवाय किसी अन्य प्रकार से ये टैक्स की वसूली नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। 265 में कहा है विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, ये भी बात सही है, तीसरा में विधायिका से परमिशन लेना पड़ेगा। और 119 में कहा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करना, तो ये विशेष उपबंध करना साथियों ये गलत है, क्योंकि 119 में कहा गया है साथियों संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया के बारे में, और 117 में कहा गया है, ये बातें जो हैं 117 में दी गई हैं कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, तो इसका मतलब जहाँ चार होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर बी केवल सत्य है। आगे चले हम लोग 86 में, इसमें साथियों कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है, तो साथियों आप लोग बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ मूल अधिकारिता क्या होता है, कि जब केंद्र राज्य के बीच झगड़ा हो, राज्य राज्य के बीच झगड़ा हो, या कई राज्यों केंद्र से झगड़ा कर लें, तो झगड़े को निपटाने के लिए ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत करता है, तो यहाँ पर साथियों क्या है मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता, तो केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद ये तो आता है, मैंने पहले बताया, तो तीन याद रखिएगा, केंद्र राज्य के बीच झगड़ा, राज्य राज्य के बीच झगड़ा, और कई राज्यों का केंद्र से झगड़ा, इन तीनों में आएगा तो मूल अधिकारिता होगा वरना नहीं होगा, तो दो राज्यों के बीच झगड़ा ये भी मूल अधिकारिता में आएगा, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा नहीं आएगा, तो संविधान की व्याख्या, तो साथियों ये अपीलीय अधिकारिता में आता है, मूल अधिकारिता में नहीं आता, तो यही हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 87 में,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट बीटो शक्ति का प्रयोग करता है? पॉकेट बीटो शक्ति आप लोग मालूम है साथियों, ज्ञानी जैल सिंह पहली बार किए थे, वो उनके पास जो विधेयक आया था, न तो वो मना किए न तो अनुमति दिए, अपने जेब में रख कर उस पर कोई विचार ही नहीं रखे, तभी से ये पॉकेट उसका नाम पड़ गया। पॉकेट का मतलब ये आपका जेबा, तो ये होता है। तो ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये पॉकेट बीटो का प्रयोग किया जाता है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 111, अनुच्छेद 111 में। आगे देखें हम लोग 88 में क्या कह रहा है। तो साथियों देखें, जो भी आपको प्रश्न बड़ा लड़े तो उससे सबसे पहले भिड़ जाया करिए, क्योंकि वही उसमें दम नहीं होता है। जैसे इंसान बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे जो बहुत सारे भारी भरकम बांस के पोपले की तरह होते हैं, तो उसमें दम नहीं होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी समझा करिए। 88 में भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? तो कार्य दिया है, तो आप कार्य आपको मालूम होता है साथियों, बहुत से कार्य होते हैं, संसद राज्य विधानसभा का चुनाव करवाना, लेकिन स्थानीय निकाय का चुनाव साथियों भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, यही गलती पकड़ में आ गई। स्थानीय जो यानी लोकल बॉडीज़ ये चुनाव होते हैं, नगर पालिका पंचायत, इन सब का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। का राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। भारत निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है संसद विधानमंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो ये सब का चुनाव वो करवाते हैं। तो स्थानीय निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, तो एक जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमसे सत्य पूछा है, तो सत्य बताने के लिए हम एलिमिनेशन लगा दें, हमारा कम समय लगेगा। एक इसमें है ये गड़बड़, एक इसमें है ये गड़बड़, एक इसमें है ये गड़बड़, तो इसका सीधा मतलब आँख मूंद कर ऑप्शन बी सही होगा। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हमें पहले पता लग गया एक तो गड़बड़ होगा, तो जो गड़बड़ है वो उत्तर में तो नहीं रहना है, तो बी होगा। तो अन्य चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, ये सब सही हैं भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में। आगे चले हम लोग 89 में। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में साथियों कथन दिया है, तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है यूपीएससी के बारे में। तो संघ लोक सेवा आयोग संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ जो गलत है उसी को पकड़ लीजिए। तो आप लोग कैसे पकड़ेंगे, देखें यहाँ पर एक साथियों गलती दिया है सी वाले में। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनको एक ही बार नियुक्त किया जाता है, दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें लिखा है पुनः नियुक्त हो सकते हैं, तो पुनः नियुक्त नहीं हो सकते हैं, ये गड़बड़ है। और बाकी चीज़ों आप लोग जानते हैं, ये जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य होते हैं, यह 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग के होते हैं, अरे जो राज्य संघ राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं, वो 6 वर्ष और 62 वर्ष के लिए होते हैं। तो ये बात से सही हैं, ये बातें सही हैं इसकी, ये बातें सही हैं, लेकिन ये सी गलत था, क्योंकि यह एक ही बार नियुक्त होते हैं। आगे चले हम, इसमें क्या है साथियों, नीति आयोग के संबंध में साथियों कथन दिया है, बहुत ही बेहतरीन। नीति आयोग के बारे में मालूम होगा साथियों, नीति आयोग के पहले एक योजना आयोग काम करता था, जो आज़ादी के बाद बनाया गया था, पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी। तो जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके जस्ट लगभग एक साल बाद 1 जनवरी 2015 को, कब 1 जनवरी 2015 को मोदी जी योजना आयोग को स्थान पर नीति आयोग लेकर आए, जो एक कार्यपालिका के संकल्प का मतलब एक सदन संसद का संकल्प था ये, तो उसके माध्यम से लाया गया था। ये संवैधानिक नहीं है ना तो सांविधिक है, तो ये यहाँ पर गलती दिया है साथियों, 2015 में आया था ये, 16 में नहीं, 2015 में। तो इसे याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। तो इसका मतलब सही हमसे कथन पूछा है। अब हमसे साथियों यहाँ पर वही नियम, फिर एक तो गलत हो गया हमारा, एक गलत हो गया तो विकल्प नहीं रहना चाहिए, ये कट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह राष्ट्र के विकास में राज्य के बराबर भागीदारी के रूप में सशक्त भूमिका और सहकारी संघवाद सिद्धांत पर काम करता है। यस, ये बात सही है, मैंने पहले बताया संवैधानिक नहीं है, यह एक संकल्प का मतलब एक जो वहाँ पर सरकार थी उसका संकल्प था ये, उसके माध्यम से लाया गया है। संवैधानिक का मतलब इसकी संविधान में चर्चा नहीं हुए, मतलब ये संवैधानिक का मतलब जो कोई चीज़ें अगर संवैधानिक हैं तो उसकी चर्चा संविधान में रहती है, तो नीति आयोग की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है, इसलिए संवैधानिक नहीं है, यह एक संकल्प के माध्यम से लाई गई थी।
तो एक और तीन जिसमें होगा वो गलत, तो एक यहाँ था, तीन तीन ये गलत, तो ऑप्शन सी यही उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 91 में, 91 में साथियों क्या कह रहा है, वित्त आयोग के संबंध में, क्या वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए और कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है उसे पकड़िए। तो साथियों मालूम है वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये तो बातें सही हैं। इसका गठन 5 साल में किया जाता है, ये भी बातें सही हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी 5 सदस्यों की एक बॉडी होती है, ये भी सही है। तो ये तीनों जब सत्य हैं साथियों, तो हम आँख मूंद कर कहें यही गलत होगा, भले से हमें न मालूम हो, लेकिन हम लोग क्योंकि हमें प्रथम तीन क्लियर था, यही गलत होगा। अब क्यों गलत है साथियों, इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है, जो वित्त आयोग की सिफारिश होती है बाध्यकारी नहीं होती है, हाँ आपको करना ही है, तो उनका सिर्फ सलाहकारी होती है, सलाह देते हैं मानिए या ना मानिए, तो ऑप्शन डी गलत है। तो 92 में साथियों देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी एक आपको थोड़ा सा उलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उलझेगा नहीं, एक कथन है एक कारण है। कथन पढ़ेंगे तो मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो साथियों यस सांविधिक निकाय है, यानी इसकी भी चर्चा संविधान में नहीं है, इसे एक संसद के माध्यम से बनाया गया है कानूनी तरीके से, तो ए वाला हमारा सही है। और आर्क में कह रहा है कारण में, इसका गठन संसद में संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 295 में किया गया था। तो साथियों यहाँ पर ये हमारा जो है गलत है, ये कारण इसका गलत है, क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है, ये तो बात सही है, संवैधानिक नहीं है। इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसका एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यही उत्तर होगा। आगे चले हम लोग, तो क्यों ये होगा साथियों, मैंने ये क्यों कहा ये गलत है, क्योंकि यह संवैधानिक नहीं है, तो जब संवैधानिक नहीं है सांविधिक है, तो जो चीज़ें संवैधानिक नहीं होती उसकी संविधान में चर्चा नहीं होती है, जब संविधान में चर्चा नहीं है तो अनुच्छेद कहाँ से आ गया, तो गड़बड़ हो गया अपने आप। आगे देखें 93 में, इसमें कह रहा है लोकपाल के संबंध में, लोकपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोकपाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, केजरीवाल की राजनीति को यही लोकपाल ने ही जन्म दिया। लोकपाल क्या था कि एक ऐसी संस्था है जो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर तो लोकायुक्त है, तो केंद्रीय स्तर पर ये एक संस्था होती है जो जन समस्याओं को सुनती है और उनका निराकरण करने का प्रयास करती है, ये लोकपाल का काम होता है। तो कह रहा है कौन सा इसमें सही नहीं है, तो साथियों इसमें जो है देख रहे हैं ना, लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, बात सही है। लोकपाल संस्था का गठन 2019 में किया गया, ये भी बात सही है, क्योंकि इसके लिए 2013 से ही केजरीवाल अन्ना हजारे इन सभी से जुड़े हुए थे आंदोलन में जब ये सब हो रहा था। तो सी यहाँ पर साथियों गड़बड़ है, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक 8 सदस्य होते हैं, इसमें 7 लिखा है, 7 से अनधिक यानी 7 तक, तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 8 होते हैं, तो इसलिए यह गलत हो गया। और जितने भी यहाँ पर सदस्य होते हैं उनमें आधे यानी 50% ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होने चाहिए। चले हम आगे, एक तरफ संस्थाएं दिया है, एक तरफ स्थापना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों अंतरराज्यीय परिषद 90 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की बात कर रहा है, तो 1965 में नहीं बल्कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर, और बाकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93 में, CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये 1963 में। आगे बढ़ें 95 में, देखें यहाँ पर देखने में भारी भरकम आपको लग रहा है, देखें इसमें भी दम नहीं है, आप इसके पटखनी दे देंगे इसको, तो थोड़ा सा हम इसको सेट करें, अब सही है।
तो करा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1919 में, यानी 1919 में मानवाधिकार में संरक्षण संशोधन किया गया था। तो इसके प्रावधानों में से कौन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है साथियों, आपको मालूम होगा 2019 में जब संशोधन किया गया तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया। तो इसमें पहला क्या रहा है, इसमें देखिए ये कहाँ है, डी में, तो पहला तो है ये भी सही है, और यहाँ डी में जो मैंने बात बताई यह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, नहीं साथियों 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया इसमें, इसके कार्यकाल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोग अध्यक्षों को जो कार्यकाल होता था 5 से घटाकर 3 वर्ष, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। इसको पढ़ लेंगे तो आपको सूचनाएं मिल जाएंगी कई सारी। 96 में हम लोग देखते हैं, इसमें साथियों एक कथन दिया है एक कारण दिया है, आपको पहले कथन कारण को पढ़कर सही उत्तर देना है, यानी सही गलत नहीं होना चाहिए। तो अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा दी गई है, नहीं भाई भारत संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो सीधी बात ये उत्तर डी होगा, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन में ए कहीं गलत नहीं है, यहीं दिया है गलत है। तो 96 में हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। और ये तो सही है, अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है। आगे देखें हम लोग 97 में, पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा सन 2004 के पहले तक एससी एसटी आयोग दोनों एक ही में थे, लेकिन सन 2003 में कानून लाया गया, इसके माध्यम से एससी आयोग और एसटी आयोग को अलग करके सन 2004 में अलग कर दिया गया। तो सन 2003 में लाया गया था, 4 में अलग कर दिया गया, यानी पृथक कर दिया गया, एससी आयोग अलग एसटी आयोग अलग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। तो आप लोग को अनुच्छेद भी मालूम होगा कि मतलब जो लाया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वह 338 में क्या है, एससी आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए में एसटी आयोग। तो याद रखिएगा ये एसटी से है और ये एससी से है। आगे चले हम लोग, असत्य कथन को पकड़ना है जो गलत है, तो गलत कौन सा है उसी के साथियों पकड़ लीजिए, पहला पढ़ लीजिए। तो भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने का पात्र है, यस एक राष्ट्रपति बार बार निर्वाचित, द्रौपदी मुर्मू चाहे पिछले साल फिर चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, तो सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यस ये भी बात सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये भी बात सही है। कोई भी सदन, जब तीनों सही हैं तो चौथा गलत होगा, चौथा ही हमारा उत्तर होगा। तो भारत का नागरिक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है, मेरे भाई गलत, जन्म से नहीं उसे प्राप्त भी किया जा सकता है, नागरिकता को जो है प्राप्त भी किया जाता है। जैसे सोनिया गांधी यहाँ की नागरिक नहीं थी लेकिन शादी कर दी तो हो गई, या कोई व्यक्ति आकर रहे यहाँ तो भी हो जाता है, जरूरी थोड़ी ना है भारत का नागरिक बनने के लिए आपको भारत में ही पैदा होना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, डी गलत है। देखें 99, निम्नलिखित में से किस समिति ने आम चुनाव में मतदान की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। तो साथियों बीएम तारकुंडे समिति ने, यही ने जो पहले वोट देने का जो एज थी युवाओं की वो 18 वर्ष थी, मतलब चुनाव में 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की जो सिफारिश की थी वो तारकुंडे समिति ने की थी। आगे देखें 100 में क्या कह रहा है साथियों, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे से अधिक विधान मंडलों की संतुति के उपरांत निम्नलिखित में से किन उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है।
तो ऐसा कौन सा उपबंध है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे से अधिक विधानमंडलों की अनुमति के उपरांत किन उपबंधों को संशोधित किया जाता है? तो साथियों ये पूछ रहा है, ये अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता SC ST ये अनुसूचित क्षेत्रों के और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन मामले में ये तो नहीं है, एक तो गलत हो जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, यस, जब केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन होता है तो संसद विशेष बहुमत चाहिए और आधे से अधिक विधानमंडलों की अनुमति चाहिए, तब बनता है। तो ये वाला जो है ये सही है। सातवें अनुसूची संबंधित कोई भी विषय नहीं साथियों, सातवें अनुसूची संबंधित कोई विषय होता है तो उसके लिए भी ऐसा किया जाता है, तो ये भी सही है और ये केंद्र शासित प्रदेश ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। 101 में देखें कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 17 अनुच्छेद 50 ख जोड़कर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, तो किसमें ऐसा किया गया था? भाग 17 में अनुच्छेद 50 ख जोड़ा गया भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी नियुक्त करने के लिए, किसमें जोड़ा गया? तो 7वां संविधान संशोधन, मेरे भाई ये 7वां संविधान संशोधन बहुत फेमस है, 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, तभी यह जो है भाग 17 में 50 अनुच्छेद 50 ख जोड़ा गया। आगे देखें हम लोग 2 में देखें इसमें क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी कैग की बात कर रहा है, कैग द्वारा किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है? तो कैग द्वारा किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है साथियों ये बताना है। तो भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का, जो खर्च होता है भारत के जो रिजर्व फंड से, उसका लेखा परीक्षण करता है, उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, सही बात है। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय न्याय निकायों के लेखा परीक्षण करता है, ये भी सही है। भारत के वित्त पर नियंत्रक का कार्य करता है, नहीं मेरे भाई गलत है, ये सी गलत है। क्यों गलत है? और यही हमारा उत्तर भी होगा, क्योंकि कह रहा है कौन सा कर्तव्य पालन नहीं किया जाता, तो सी का नहीं किया जाता है कैग के द्वारा। क्यों? भारत जो है जैसे इंसान का पोस्टमार्टम होता है, मरने के बाद होता है पोस्टमार्टम, ऐसे ही कैग जो है वित्त जो खर्च हो जाता है अगर गलत तरीके से खर्च होता है तो उस पर फिर जांच पड़ताल करता है, उसकी निगरानी उसको जो है इन्वेस्टर करता है, तो लेकिन उसका वित्त पर नियंत्रण नहीं होता है। यदि वित्त गलत तरीके से खर्च हुआ है तो उसकी जाँच करता है बस, यानी पोस्टमार्टम करता है उसका, तो सी हमारा ये गलत है। देखें 106 में क्या कह रहा है, CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 63 में हुई थी, अब मैंने पहले बताया CBI की, जिसे सरकार का इस समय तोता भी कहा जाता है। बी में क्या है इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की थी, ये भी सही है। इसका आदर्श वाक्य उद्यम निष्पक्षता और ईमानदारी है, ये भी सही है। CBI अकाडमी उत्तर प्रदेश के नोएडा में, नहीं भाई उत्तर प्रदेश में तो है, नोएडा में नहीं है लेकिन गाज़ियाबाद में है। तो जहाँ 4 होगा वो गलत, यहाँ 4 गलत, यहाँ बी सही है। 7 में क्या है, किस भारतीय नेता को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? ऑल इंडिया सर्विस यानी ISPCS जैसी सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है भारतीय नेता को? तो साथियों आप लोग मालूम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब विधानसभा में बहस हो रही थी कुछ लोग कह रहे थे इसको ख़त्म कर दिया जाए विदेशियों की देन है, तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सबसे बड़े समर्थक थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है ए ऑल इंडिया सर्विस का जनक। 108 में एक तरफ अनुच्छेद है दूसरी तरफ प्रावधान है, तो कौन सा अनुच्छेद मिसमैच है सही सुमेलित नहीं है उसको पकड़ना है, तो चलिए पकड़ लीजिए 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये बात सही है बिल्कुल सही। और दूसरे में क्या कह रहा है, बी में क्या कह रहा है, इसको जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 310
संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदा अवधि ये भी बात सही है। तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित है और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, मेरे भाई यही गलत है और जो गलत है उसी को हमें बताना है, यही हमारा उत्तर भी होगा। तो क्यों ये गलत है, आप लोग को मालूम होगा ये जो 320 है अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कर्तव्य से संबंधित है, नियुक्ति से नहीं, कृत से संबंधित है। तो आगे चलें हम लोग 9 में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ भाग है एक तरफ प्रावधान है, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, सही है हमें, लेकिन गलत बताना है याद रखिए। 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध, यानी 11 में आपको जो है केंद्र राज्य संबंध दिया है जिसमें प्रशासनिक और विधायी संबंध है, तो ये भी सही है। भाग 12 में अधिकरण है, तो यहाँ भाग 12 में अधिकरण है, आप लोगों को मालूम होगा भाग 12 में जो है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, तो 109 में हमारा ये सी गलत हो गया। और भाग 13 तो सही है ये व्यापार वाणिज्य समागम से, तो उत्तर हमारा क्या होगा, यहाँ उत्तर ऑप्शन सी यही गलत है, भाग 12 नगर पालिका से संबंधित है अधिकरण से नहीं, अधिकरण जो है 12 ए में है। तो चलिए अब हम लोग 110 के पास, तो देखें आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी का उपबंध किस भाग में है, तो इमरजेंसी यानी आपातकाल, अ से आपातकाल, अ से 18 ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। यहाँ पर साथियों फिर नीति आयोग के बारे में दिया, अभी मैंने इसको बताया था नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छे से, यह संवैधानिक संस्था है साथियों, गलत है, यह एक संकल्प के द्वारा बनाया गया था सरकार के, तो संवैधानिक नहीं है ना ही वैधानिक है, तो ये गलत है। यह एक सांविधिक है, ये भी सांविधिक नहीं है, तो इसका मतलब ये डी होगा, 111 का डी हो जाएगा, यानी एक संसदीय कानून के माध्यम से बनाया गया था। तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है, संविधान में चर्चा, इसकी संविधान में कहीं चर्चा ही नहीं है। आगे देखें 112 में, 112 में क्या है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के संबंध का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है, जो मतलब आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है जिस अनुच्छेद के तहत केंद्र जो है कुछ राज्यों को अनुदान देता है, सहायता देता है, तो उसको बताना है यहाँ, तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए हमारा 275। आगे देखें और 280 में, तो आपको मालूम होगा ये तो होगा नहीं, ये तो वित्त आयोग से संबंधित है, ये तो होगा नहीं। 263 में तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध दिया है ये है, और 65 में तो विधि के प्राधिकार के बिना, यानी जो टैक्स लगाया जाएगा वो एक विधि के माध्यम से लगाया जाएगा, मनमानी नहीं। तो ये सब चीज़ों को आप न समझ में आए तो एलिमिनेट कर दिया करिए कि कौन सा नहीं होगा, उल्टा चला चलिए। 13 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 148(1) के अंतर्गत की जाती है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 सब क्लॉज ए में किया जाता है, तो ये सही यानी कि सत्य कथन को बताना है हमें, तो ये गलत लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है, क्योंकि साथियों 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नहीं, कैग की नियुक्ति की जाती है, तो इसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नहीं भाई, कैग देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उस तरीके से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, कैग होते हैं, उनको उस तरीके से हटाया जाता है, इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देता है। महान्यायवादी एक सरकारी वकील होता है, समझ लीजिए सरकार की बातों को रखता है, और इसको अधिकार है कि यह अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, तो दोनों के दोनों गलत हैं ऑप्शन नंबर डी। 14 में क्या है, देखें 14 में क्या है साथियों, राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ कथन दिए, इन्हीं कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है साथियों। लाजवाब प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे कि
आप कितने आसानी से साल्व होगा। तो आप लोग को मालूम है राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, 3 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो उसे जो है 6-6 महीने की अवधि के मतलब करके, तो ये तो सही है। यहाँ पर आप लोग ये देखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के संबंध में प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होता है। साथियों गलत, यही विशेष नहीं है, साधारण बहुमत से पारित होता है। तो 3 जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा गलत है। तो 3 इसमें है, ये गलत, ये है, ये है, तो उत्तर हमारा बी होगा। हम उत्तर पा गए, अब निकल लें हम बचकर पतली गली से 15 में। बाकी जो सूचनाएं रहती हैं उसको पढ़ लिया करिए, आपको एक फाइट ग्रुप में याद हो जाएगा। एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, किस आयोग की स्थापना कब हुई थी इसे बताना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 92 में, सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कब सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है उसे बताना है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2002 में नहीं हुआ था साथियों, ये गलत है, 2007 में हुआ था, 2007 में हुआ था। तो यही गलत है, यही हमारा उत्तर भी होगा। और के CBI जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये तो 5 में हुआ था, आपको मालूम है केंद्रीय सूचना आयोग है, 16 में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। जो सही है उसी को बताइए, पहले कथनों को, चारों कथनों को पढ़िए, फिर बताना है कौन सा सही है। तो पहले में दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मैंने अभी आपकी चर्चा किया था अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, यानी SC आयोग, और 38 क में है ST आयोग, और अनुच्छेद 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी सही है। 42 क में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ पर 4 के 4 सही है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 16 का, ये सही है हमारा। आगे बढ़ें, सत्रह में क्या है, 17 में साथियों है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन 1993 में किया था। जी बिल्कुल सही बात, तभी किया गया था 1993 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मोदी जी की सरकार में 102वां संविधान संशोधन 2018 में मिला था, 2018 में। इसका गठन के समय इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ नहीं, 2018 में प्राप्त हुआ 102वां संविधान संशोधन से। तो हमारा केवल कौन सा सही है, सही पूछ रहा है, तो सही केवल 1 है। आगे चल पढ़ें, तो हम लोग आगे चल पड़े हैं, तो क्या देखते हैं इसमें 18 में अंतरराज्यीय परिषद संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत को बताना है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में। तो गलत इसमें से क्या है, इसकी स्थापना सरकारी आयोग समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो सिफारिश पर की गई थी, तो यह सही बात है, सरकारी आयोग केंद्रा संबंध, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, यानी सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में किया गया था, बात सही है। इसकी अस्थाई समिति की स्थापना 96 में की गई थी, और इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, गलत साथियों, होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री, गलत है। आगे चलें हम लोग, देखते हैं 18 हो गया, 19 में देखते हैं क्या है। तो 19 में साथियों कह रहा है हमसे, देखें 19 में कह रहा है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद, संघीय संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो कैसे कैसे बना सकती है, वही इसमें दिया है सारी चीज़ों को। तो देखें संबंधित राज्य की सहमति से, अगर कोई राज्य सहमति दे कि हाँ आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बनाने में, तब बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता कोई हो रहा है तो उसके लिए सरकार बना सकती है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसके लिए बना सकती है, इन तीनों में। तो यानी 1, 2, 3 रहना चाहिए ऑप्शन में, तो 2 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इसी दोनों में है, इसी दोनों में से कोई उत्तर होना चाहिए। 4 पढ़ लें, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 1/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो नहीं साथियों, तो 1/3 बहुमत यहाँ पर नहीं होता है 4 में, तो ये हमारा 19 वाला ये गलत हो गया साथियों, 2/3 बहुमत इसके लिए चाहिए होती है तब।
तो ये चौथा जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें चार है ये गलत, तो यही बचा हमारा, यही उत्तर होगा। देखें, लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो साथियों, द्वितीय वाचन में, प्रथम वाचन में उसकी चर्चा होती है, उसके बारे में समझा जाता है, और द्वितीय वाचन में उसको तर्क वितर्क होती है कोई सी विधेयक पर, उसके सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में। देखें 21 में साथियों कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में स्वीकृत है। आपको मालूम होगा जब लोकसभा में और राज्यसभा में मतलब सहमति नहीं बनती, कोई विधेयक गया लोकसभा में पारित हो गया, यानी एक सदन में पारित होगा दूसरे में नहीं पारित हो पाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन जो है वो मतलब संविधान संशोधन के संबंध में नहीं बुलाया जाता, इतना याद रखिएगा। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है 108 के तहत, ये सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रथम संयुक्त बैठक 1977 में हुई थी। तो नहीं साथियों, ये गलत है, 1977 में नहीं हुआ था, ये शायद नेहरू जी के प्रधानमंत्री थे तो उसमें हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा, नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था, इतना तो क्लियर है। तो आगे देखा जाए, यानी दो गलत है, दो जिसमें होगा ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये सही है हमारा। और संसद के दोनों सदनों की तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक संदर्भ में आयोजित की गई थी, यस, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो 1-3 सही है हमारा। 22 में देखते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में, ये सवाल थे जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है उन्हें 8वीं अनुसूची में रखा जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से भाग 8 में 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली, सिंधी, संथाली जोड़ी गई। मेरे भाई सरासर गलत, भाग कहाँ होता है, ये होती है अनुसूची, तो ये गलत हो गया, 1 केवल उत्तर होगा इसमें। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होता है? किसी राज्य का नगर पालिका सीमा क्षेत्र, राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी। 124 में कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अभिलेख न्यायालय साथियों 29, ऑप्शन नंबर बी। अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं कि न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो अपना न्याय देता है उसको एक मेमोरी के रूप में रखा जाता है, साक्ष्य के रूप में, तो उसी को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, जिसका प्रयोग समय समय पर उसको किया जाता है, अन्य सुप्रीम अन्य हाई कोर्ट या कोर्ट के लोग कर सकते हैं। आगे देखें, देखें इसमें 25 में क्या है, उनके बनने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन बना था, कौन सा आयोग सबसे पहले बना, कौन सा बाद में बना, इसको हमें बताना है। तो साथियों, आप लोग को मालूम होगा राजमन्नार पुंछी आयोग पहले हम लोग थे, पुंछी आयोग ये है, ये बनी थी साथियों 2007 में बनी थी शायद, हाँ 2007 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था पुंछी आयोग? केंद्र राज्य संबंध पर बात करने के लिए। तो ये 2007 में हो गया, और राजमन्नार समिति साथियों बनाई गई थी 1969 में, और सरकारिया आयोग जानते हैं केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए बनाया गया था 1983 में, और जो भगवान सहाय समिति बनाई गई थी यह बनाई गई थी 1970 में बनाया गया था। तो इस हिसाब से साथियों सबसे पहले कौन बना होगा, तो सबसे पहले ये बना होगा राजमन्नार, सबसे पहले यही है, तो 69 यानी दो होना चाहिए, पहले पर दो होना चाहिए, तो दो कहाँ है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ सी में बैठा है, तो उसके बाद कौन सा होना चाहिए, राजमन्नार हो गया, राजमन्नार के बाद कौन होना चाहिए, चार होना चाहिए, भगवान सहाय, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ये वाला। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इधर करेंट अफेयर से सवाल हैं, तो करेंट अफेयर के यहाँ जो 25 सवाल बचे हैं, तो जो हम ये टेस्ट सीरीज जीएस का कर लेंगे, तो करेंट अफेयर जो शुद्ध रूप से करेंट अफेयर के हैं, तो उसको हम
ये सारे करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगा आपको भी हमें भी। तो सारे करंट अफेयर का मैं एक कंपाइल क्लास लेकर आऊँगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।